गोल्ड में निवेश कैसे किया जाए, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, किसके क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है, किसके क्या एडवांटेज है, किसके क्या डिसएडवांटेज है, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनंजय भाटिया है, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। आज मैं बात करूंगा गोल्ड के ऊपर। मुझे काफी सारे व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि कहीं ना कहीं सर हम एक टॉपिक चाहिए जहां पर हमको क्लैरिटी मिले कि किस तरीके से हम इस येलो मेटल पे इन्वेस्ट कर सके। अगर मैं बात करूं गोल्ड एज एसेट क्लास, इट हैज बीन अ वेल्थ क्रिएटर। 3,000 साल पुराना इनका इसका हिस्ट्री है, जहां पर कि हमने हमेशा देखा है कि गोल्ड कोई भी फेज हो हमेशा इसने वैल्यू क्रिएट किया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड क्या मोड है, क्या क्या डिफरेंट अप्रोच है जिस तरीके से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। हर एक जो तरीका है निवेश का, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो या डिजिटल गोल्ड हो या फिर अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड हो, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या क्या चीजों को आपका ध्यान रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। तो लेट अस स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड। अगर हम गोल्ड की इम्पोर्टेंस को समझे तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम कहते हैं कि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए, कारण क्या है कि गोल्ड को क्या कहा जाता है, इट इज द किंग ऑफ गुड टाइम्स एज वेल एज किंग ऑफ बैड टाइम्स। समय चाहे अच्छा हो या समय बुरा हो, गोल्ड हमेशा किंग रहता है। जब अच्छा समय चलता है तो गोल्ड आपकी लाइफ स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है, और जब समय बुरा चलता है तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी लाता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ गोल्ड। अब अगर हम इसमें डीपर जाएं, अंडरस्टैंड करें कि गोल्ड किस तरीके से हमें वैल्यू एडिशन करता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड इन डेप्थ किस तरीके से गोल्ड एक वैल्यू एडर है, या फिर किस तरीके से एक गोल्ड का इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। फर्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। कहीं ना कहीं अगर आप हिस्टोरिकली रिटर्न देखो जिस तरीके से गोल्ड ने जनरेट किया है, तो कहीं ना कहीं उसने एक वैल्यू अप्रिसिएशन की तरफ ही उसका जोन रहा है। कहीं ना कहीं जो भी निवेशक है जिन्होंने पैसा इसमें निवेश किया है, लॉन्ग टर्म इन्होंने पैसा बनाया है। सेकेंड है गोल्ड हमेशा एक रिजर्व करेंसी की तरह यूज किया जाता है। आई एम श्योर दैट कि आप जानते होंगे कि जब ये फिजिकल हमारा जो पेपर करेंसी नहीं थी, उसके पहले गोल्ड वाज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो यूज किया जाता था फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज। तो इसकी एक लॉन्ग डेटेड हिस्ट्री है। हेज अगेंस्ट इकोनॉमिक प्रेशर, आपने पेंडेमिक देखा होगा, जब पैंडेमिक हुआ तो गोल्ड के प्राइसेस किस तरीके से राइज किए, क्योंकि जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है तब गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है, ऐसी कॉमोडिटी है जिसके प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं जब अनसर्टेनिटी में ज्यादा आपको अप्रिसिएशन देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पोर्टफोलियो को हेल्प करता है सेफ गार्ड करने में अगेंस्ट मार्केट फ्लक्चुएशन एंड अनसर्टेनिटी। उसके बाद में प्लेस ड्यूरिंग इमरजेंसी पर्पज, वो हमने सुना था शायद 90s में, आपने सुना होगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उस समय कहीं ना कहीं गोल्ड हमने प्लेज किया था। एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, तो गोल्ड को हमेशा कहते हैं इट इज अ डाइवर्सिफायर। कहीं ना कहीं आपका जो एसेट क्लास है डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रॉपर्टीज हो गए, आपके गोल्ड हो गया, या फिर एफडीज हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, हर एक एसेट क्लास अपने उनकी एक साइकिल होती है। वैसे ही गोल्ड का भी एक साइकिल होता है जहां पर उसके जो रिटर्न्स अनसर्टेन टाइम में कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करता है। तो दिस आर द फ्यू एडवांटेज ऑफ गोल्ड। आगे बढ़ते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर किस तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। व्हाट आर द फोर स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। पहला तरीका है फिजिकल गोल्ड। और फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, आई एम श्योर दैट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपको गोल्ड लेना है तो आप अपने घर के पास में कोई भी ब्रांडेड ज्वेलर शॉप हो, या फिर कोई अगर आपके जो ट्रेडिशनली, या फिर आपके जो फैमिली ज्वेलर्स होते हैं जो आपके सर्विस करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ गोल्ड की, उनके थ्रू आप बाय कर सकते हो। अब इसके एडवांटेज भी हैं और कहीं ना कहीं इसके थोड़े बहुत चैलेंजेस, मैं डिसएडवांटेज नहीं कहूंगा बिकॉज आई बिलीव कि कुछ ना कुछ उसमें चैलेंजेस भी रहते हैं। तो एडवांटेज इसका ये है कि कहीं ना कहीं जो फिजिकल जो फील है ना, बिकॉज वी आर ह्यूमन राइट, हम सब इंसान हैं, वी आर ऑल ड्रिवन बाय इमोशंस, इमोशंस हमको ड्राइव करता है। तो मुझे पर्सनली फील होता है कि फिजिकल गोल्ड वो एक इमोशनल कनेक्ट बिल्डअप करता है विद द इन्वेस्टर। कहीं ना कहीं घर पे वो जो सोने का ब्लॉक या फिर सोने के बिस्किट या कॉइन या गिन्नी जो भी रखा हो ना, वो एक अलग साइन ऑफ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टर के माइंड में। दैट इज वन। सेकेंड इज हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि हमारा कल्चर है, ऑन ऑस्पिशियस डेज, चाहे वो धनतेरस हो या अक्षय तृतीया हो, वहां पर कहीं ना कहीं हम
गोल्ड में निवेश करते हैं, हमको ये माना जाता है कि उस दिन घर पे सोने लाने से इट इज गुड, इट वो हमारे हमारे लिए, फैमिली के लिए अच्छा है, फॉर आवर प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं ये एक गाइडिंग फैक्टर है। सेकंड है कि फिजिकल गोल्ड कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है हमारे स्टेटस का। फिजिकल गोल्ड कहीं ना कहीं हम अपने जितने भी सोशल गैदरिंग होते हैं, कहीं ना कहीं वो जो ऑर्नामेंट्स होते हैं हम उसी के पहनते हैं। तो बहुत जन मुझे कभी कहते हैं कि फिजिकल गोल्ड जो है वो एक वो उनके लिए एक वो इमोशनल कनेक्ट है। वो कहते हैं कि धनंजय फिजिकल गोल्ड में एक अलग चार्म है, वो इट इज जस्ट लाइक ए बाम, वो एक बाम की तरह काम करता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि यस उनको कुछ ज्वेलरी फॉर्म में चाहिए जो उनके रेगुलर यूज में काम आए, लाइक फॉर एग्जांपल आप अंगूठी पहनते हो या फिर चेन पहनते हो या ब्रासलेट पहनते हो और आपको लगता है कि वो आपके डे टू डे यूज के लिए है, तो डेफिनेटली गो फॉर फिजिकल गोल्ड। कहीं ना कहीं आपको अगर उसमें सेटिस्फेक्शन फील होता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अब जो आप वेडिंग में ऑर्नामेंट लेते हैं जनरली उसके यूजेस कम आते हैं, फिर भी वेडिंग आपका स्पेशल डे रहता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप एक दो तीन हमेशा ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी और द काइंड ऑफ मनी दैट यू हैव इन योर कवर। अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट के एंगल से फिजिकल में करना विल बी अ बिट ऑफ चैलेंज, क्योंकि मुझे लगता है कि कंजम्पशन जब तक रिक्वायरमेंट है या फिर एक दो तीन पार्टी वेयर के लिए, क्योंकि जब आप पार्टी में जाओगे आई एम श्योर दैट आपको गोल्ड का नेकलेस ही चाहिए, आप अपने गले पे गोल्ड का बॉन्ड या फिर डिजिटल गोल्ड का सर्टिफिकेट लेके नहीं जा पाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे फिजिकल गोल्ड चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जो मैं गोल्ड ले रहा हूँ क्या मेरी ये कंजम्पशन नीड है, या फिर ओकेजनल इट इज रिक्वायर्ड फॉर सम पार्टी और गेट टुगेदर, या फिर कुछ गिफ्टिंग के कारण मैं ले रहा हूँ। अगर समझो मुझे गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको जैसे बोला कि ब्रासलेट या चेन वो सब के लिए फिजिकल गोल्ड इज फैंटास्टिक, एक दो तीन सेट होने चाहिए आपको, क्योंकि आपके कभी सोशल गैदरिंग है तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको पहनना पड़ता है। और अगर कुछ छोटे 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 से मे बी आपको पेंडेंट हो गए या फिर गिन्नीज हो गए एंड ऑल दैट, वो गिफ्टिंग के लिए या किसी को शगुन में देना है या किसी को रिलेटिव को गिफ्ट करना है, तो दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली आप उसमें कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि बेहतरीन विकल्प अवेलेबल है जहाँ पर आप दूसरे तरीके यूज कर सकते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि फिजिकल गोल्ड में चैलेंज तीन चार रहते हैं, एक चैलेंज रहता है प्योरिटी को लेके, वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है, इसीलिए हॉलमार्क हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप जब भी लो उसको आप चेक कर लीजिए। सेकेंड है कि जनरली एजम्पशन ये है कि जो ब्रांडेड है या फिर जो ज्वेलर्स आपके फैमिली को सर्व कर रहे हैं सिन डेकेड्स, वो कहीं ना कहीं प्योरिटी को फोकस करते हैं और शायद वो कुछ ऐसा नहीं करें जिनका जिससे उनका ट्रस्ट में इम्पैक्ट आए, तो दैट इज वन थिंग दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। दूसरा है विथ रेस्पेक्ट टू द थर्ड पार्ट, ठीक है, उसकी सेफ कीपिंग आपकी जिम्मेदारी है, उसमें एडवाइस है कि बैंक के लॉकर्स में रखना ज्यादा अच्छा है अगर उसको आप रेगुलर यूज नहीं कर रहे हो। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं जो आप वंस और ट्वाइस इन ईयर पहनते हो, वो रिकमेंडेड है कि आप कहीं ना कहीं बैंक बैंक लॉकर में रखें, वो ज्यादा आपके लिए सेफ होगा। क्योंकि बहुत जन आज के डेट में आउटिंग करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो अगर घर लॉक रहता है तो प्रोबेबिलिटीज देयर, ऐसा नहीं है कि वो थेफ्ट हो जाए, लेकिन वाई टू लिव चांसेस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिजिकल गोल्ड आपको हेल्प करेगा, मुझे लगता है कि अगर आप उसको लॉकर में रखें तो आपको ज्यादा क्या बोलते हैं मेंटली आप पीसफुल रहोगे, वो एक एडवांटेज है। तीसरा एक चैलेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल गोल्ड इज विद मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस उसका एक पार्ट है, कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है आप किससे बाय कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आज के डेट में हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, आज जो पैटर्न की ज्वेलरी चल रही है, हो सकता है कि आज से 3 साल 5 साल बाद कुछ और वेरिएंट आ जाए। तो अगर आपको ये ज्वेलरी आपके बच्चों के लिए या बेटी के लिए या किसके लिए गिफ्टिंग करनी है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आज के डेट में कोई डिजाइन अभी बुक कर देना, और 5 साल बाद अगर वो डिजाइन ट्रेंड में नहीं रहे तो फिर आपको दोनों तरफा मेकिंग चार्जेस लगेगा, क्योंकि आपको मेल्ट करवाना पड़ेगा, फिर से आपको मेक करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप इन्वेस्टमेंट मोड में उसे डालें, और जब जरूरत हो तो आपने अपने आप सेल आउट किया इन्वेस्टमेंट और उस पैसे से आपने एक नया क्रिएट कर लिया। थर्ड फोर्थ इज जीएसटी। आज के डेट में अगर आप गोल्ड बाय करते हो तो आपको 3% कहीं ना कहीं जीएसटी देना पड़ता है, जो कि आपके ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। तो दिस आर द फ्यू चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल गोल्ड। अगर आपकी कंजम्पशन नीड नहीं है और आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है फॉर कल्चरल सेटअप और वेडिंग के लिए यूज करने को, अगर ये कंप्लीट हो गई है, तो
तो नेक्स्ट इज यू कैन लुक एट द सेकेंड ऑप्शन जिसे हम कहते हैं डिजिटल गोल्ड। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डिजिटल गोल्ड इज। डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड, ये तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईटीएफ पे, उसके बाद हम जंप करेंगे गोल्ड, डिजिटल गोल्ड पे। अब ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ स्टैंड फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और गोल्ड ईटीएफ मतलब एक ऐसा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्रिएट किया कि जो गोल्ड बेस्ड है। अब ये किस तरीके से काम करता है, लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। जैसे हमने सुना होगा म्यूचुअल फंड, राइट? अब जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हम क्या समझते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर एक साथ आते हैं, एक फंड मैनेजर होता है, जब पैसे जो इकट्ठे होते हैं, जो निवेश से पैसा निवेश करता है, वो पैसे को अलग अलग स्टॉक्स बेस्ड और या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम। वैसे ही बहुत सारे निवेशक आते हैं, उन लोग जो हैं दे आर इन, दे हैव अ माइंडसेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंग गोल्ड। अब फंड मैनेजर जो होता है वो उनके बिहाफ में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि अगर आपने गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपके लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है, यानी आपके पास डिविडेंड अकाउंट, डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हो। डीमैट अकाउंट आपको आजादी देता है ट्रांजेक्शन का, लिक्विडिटी का। से फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया, गोल्ड ईटीएफ क्या रिफ्लेक्ट करेगा, वो गोल्ड के प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगा। समझो आज आपका MCX में या फिर जो गोल्ड का करेंट भाव है 50,000 रुपए, ऑलमोस्ट उसी रेंज में गोल्ड का प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा ETF। गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, और गोल्ड का प्राइस कमेगा तो इसकी वैल्यूएशन कमेगी। तो अगर आपको लगता है कि मुझे गोल्ड में निवेश करना है, मुझे लिक्विडिटी चाहिए, कभी भी मुझे पैसा अगर निवेश करना हो तो मैं पैसा निवेश कर सकता हूँ, अगर कभी अर्जेंट दरकार पड़ी तो मैं पैसा निकाल सकता हूँ, इन दैट सिनारियो आप गोल्ड ETF के थ्रू जा सकते हैं। वहां पर आपके जो फंड मैनेजर हैं, इट इज अगेन AMC जो बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो इसको क्रिएट करती हैं। इसके यूनिट्स एट द पॉइंट ऑफ एंट्री वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंट रहते हैं। अब जब बाय सेल, जब आप बाय और सेल करते हो, ये बाय और सेल होता है बिटवीन टू इन्वेस्टर्स, दो निवेशकों के बीच में ये बाय सेल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मिस्टर ए हूँ, मैंने गोल्ड ETF लिया है और मुझे अभी सेल करना है, और आप मिस्टर बी हो, आपको बाय करना है, तो मेरे यूनिट्स आपके पास चले जाते हैं। दैट इज हाउ द ETF वर्क्स। आगे एक चैलेंज होता था ETF में लिक्विडिटी को लेके। जनरली क्या होता था, जब आप गोल्ड अपने ETF सेल करने जाओ तो जो बायर और सेलर ना, बहुत उनकी अवेलेबिलिटी बहुत छोटी होती थी, और जो स्प्रेड होता था। अब स्प्रेड का मतलब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस, मतलब बायर का भाव और सेलर का भाव में जो अंतर होता है ना, उसे हम कहते हैं स्प्रेड। अब से फॉर एग्जाम्पल, बायर खड़ा है 100 रुपए में, सेलर खड़ा है 102 रुपए में, तो कहीं ना कहीं आपको 2% का प्राइसिंग गैप आ गया। तो ये लिक्विडिटी को एनहांस करने के लिए कंसेप्ट आया, उसे हम कहते हैं मार्केट मेकर। मार्केट मेकर वो पार्टिसिपेंट होते हैं जो दोनों साइड ऑफ ट्रेड में खड़े होते हैं, बाय साइड में भी होते हैं, सेल साइड में भी होते हैं। उनका काम होता है मार्केट में लिक्विडिटी देना। तो अभी जो मार्केट में गोल्ड ETF को लेके लिक्विडिटी काफी हाई है, तो हमेशा आपको रेडी बायर और सेलर अवेलेबल होंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक एडवांटेज देगा। गोल्ड ETF में चैलेंजेस क्या है? गोल्ड ETF का चैलेंजेस एक ये है कि कहीं ना कहीं डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है, तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, दैट इज वन। सेकेंड इज, कभी कभी, इट इज नॉट एवरी टाइम, कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा जो स्प्रेड फैक्टर हो वो हाई हो, इवन दो लिक्विडिटी रहती है, कभी कभी ओकेजनली होता है जब मार्केट में काफी डायनेमिक मूवमेंट हो, तो वहां पर एक चैलेंज रहता है। तीसरा, अगेन इसमें भी आपके जो है, जब आपके फंड मैनेजर बाय करते हैं तो उनको GST देना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं वो अपने इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं, तो फिर ज्यादा आपको टैक्सेशन का इम्पैक्ट नहीं आता है। अब लेट अस अंडरस्टैंड टैक्सेशन। अब इसकी टैक्सेशन क्या होती है, और हम इसको रिलेट करेंगे फिजिकल गोल्ड के साथ, क्योंकि फिजिकल गोल्ड का टैक्सेशन और गोल्ड ETF का टैक्सेशन ऑलमोस्ट ऑन सेम पैरामीटर होता है। अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया है या फिर आपने गोल्ड ETF लिया है और आपने 3 साल पहले उसको सेल ऑफ कर दिया है, राइट? अगर आपने उसको 3 साल पहले सेल ऑफ कर दिया, मतलब अगर आपने 50,000 रुपये गोल्ड में डाले और 3 साल के पहले उसकी वैल्यू हो गई है 60,000 और आपने उसको सेल ऑफ कर दिया है, तो ये जो 10,000 का मुनाफा है ये आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। और जिस हिसाब से आपके इनकम टैक्स स्लैब है, अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब 10% है, 20% है या 30% है, जो भी आपके स्लैब है उसी हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। दैट इज द कैलकुलेशन फॉर टैक्सेशन पार्ट।
उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि 3 साल से पहले अगर आप अपने गोल्ड को सेल ऑफ करते हो। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद करते हैं तो आपको एक एडवांटेज या बेनिफिट मिलता है, उसे हम कहते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट, जहां पर कि आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट के ऊपर देना पड़ता है। एक सरल भाषा में, आपने आज सोने में डाला 50,000, आपने 3 साल बाद निकाला 65,000 में, राइट, 65,000। अगर आपने ये जो 65,000 में निकाला है, आपको मुनाफा कितना हुआ, 15,000। लेकिन ये 3 साल में महंगाई भी तो बढ़ी होगी, राइट, में इन्फ्लेशन जो है, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, वो भी 3 साल से बढ़ी होगी। तो जो हमने ये 50,000 डाला है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 50,000 3 साल बाद हो जाएगा, समझो कॉस्ट के हिसाब से, जो हम उसे कहते हैं CII, जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, समझो उसके हिसाब से अभी इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट की वैल्यू होती है 60,000 रुपये। तो आपने बेचा कितने में, 65, खरीदा कितने में था, 50, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट कितना हो गया, 60,000 रुपये। तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 65 - 60, 5,000 का 20%, तो दैट इज द टैक्स लायबिलिटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलता है कि आप जो इन्फ्लेशन फैक्टर है, इन्फ्लेशन फैक्टर को ऐड करके अपने कॉस्ट में आप यहाँ पर उसको टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट होता है टैक्सेशन विथ रेस्पेक्ट टू फिजिकल गोल्ड एज वेल एज गोल्ड ETF, ये दोनों का इसका ये टैक्स ट्रीटमेंट है। लेट अस मूव इनटू द थर्ड सेगमेंट, दैट इज डिजिटल गोल्ड। अब जब हम डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं, तो आपके जो मोबाइल वैलेट्स है, जैसे आपके पेटीएम हो गए, या फिर आपको फोन पे हो गए, या फिर अमेजन हो गए, उनके थ्रू भी आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो। और सबसे इसमें अच्छी बात क्या है कि आप जो अपना इन्वेस्टमेंट है ना, आप 1 रुपए से चालू कर सकते हो, राइट, इज इट शॉकिंग, राइट, हमको लग रहा है कि 1 रुपए का गोल्ड हम ले सकते हैं, आंसर इज यस, आप 1 रुपए का भी गोल्ड ले सकते हो। अगर आपके पास ये ऐप है तो अपने सेलफोन में ट्राई कीजिएगा, आप 1 रुपए से भी अपने निवेश चालू कर सकते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो काफी बड़ा अमाउंट एक साथ में शेव नहीं कर सकते हैं, वो कभी कभी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इनका टाइप रहता है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे ऑगमेंट गोल्ड हो गया, MMTC के हो गए, या फिर डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 वेंडर हैं जिनके साथ ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइप करके रखते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द बाय एंड सेल प्राइस। यहाँ पर इसको आपको फोकस करना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर गोल्ड बाय करता हूँ, मैंने आपको बोला है कि जब भी हम गोल्ड बाय करते हैं, वेदर इट इज फिजिकल और वेदर इट इज डिजिटल, जो गोल्ड ETF है या फिर डिजिटल गोल्ड है, हमें GST देना पड़ता है 3%, राइट, यानी कहीं ना कहीं हमारी वो कॉस्टिंग एड हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस जो हैं इसमें ऐड रहते हैं, जैसे कि आपके इंश्योरेंस चार्जेस हो गए, स्टोरेज चार्जेस हो गए, कस्टडियन चार्जेस एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं वो जो बाय के बाद जो चार्जेस फैक्टर ऐड होता है, और अगर आपने अभी वो गोल्ड ले लिया और ठीक 10 मिनट बाद या फिर नेक्स्ट डे आप उसको सेल करना चाहो, तो कहीं ना कहीं आपको जो प्राइस का गैप आपको ज़्यादा दिखेगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप छोटे छोटे क्वांटिटी में बाई करते हैं, जस्ट टू इनकलकेट द सेविंग हैबिट, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो बाय प्राइस और सेल प्राइस में हमेशा इसमें गैप रहता है। मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 5 से 6% का गैप आ जाता है बाय, क्योंकि 3% तो GST में चली जाती है और 3% बाकी स्टोरेज कन्वीनियंस चार्जेस एंड ऑल उस पर एड में चला जाता है। तो उस गैप को आपको फोकस में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं, ये छोटे छोटे अमाउंट से मुझे एक्यूमुलेट करना है गोल्ड और लॉन्ग टर्म में, ठीक है, आई एम ओके विद द चार्जेस, तो फिर आप डिजिटल गोल्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दिस इज वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर। जो छोटे निवेशक हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत सोने में जो निवेश करना है, ये भी तरीका है गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने का। अब इसके चैलेंजेस वही हैं कि अभी जो कस्टडियन पार्ट है, जो रिकॉर्ड जो सेफ कीपिंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो इंटरनल है, तो उसको बेहतर रेगुलेशन चाहिए ताकि मोर क्लैरिटी रहे विथ रिस्पेक्ट टू कि एक्चुअली जो आप बाल गोल्ड बाय कर रहे हैं, वो स्टॉक इन प्लेस है कि नहीं, उसकी रेगुलर ऑडिट हो रही है कि नहीं। देयर आर सिस्टम इन प्रोसेस, बट एक और रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ सकती है। सेकेंड, मैंने आपको बोला है GST और जो टैक्सेशन पार्ट जो है उसका आज सेम है एज कम्पेयर टू लाइक एज फिजिकल गोल्ड एंड गोल्ड ETF। तो डिजिटल गोल्ड का ये तरीका है काफ़ी ईजी है। सबसे इसका बेस्ट पार्ट है कि ये इजी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप अपने घर पे बैठ के, अगर आपके पास
डीमैट अकाउंट है या नहीं है वो फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने मोबाइल वैलेट से घर बैठे बैठे बाय कर सकते हो, तो इट इज इन्वेस्टर फ्रेंडली, वो एक उसका बहुत एडवांटेज है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, इंस्टेंटली सेल कर सकते हो, तो लिक्विडिटी फैक्टर और जो ईज ऑफ ट्रांजेक्शन है वो काफी बेहतर है डिजिटल गोल्ड। बस आपको वो कॉस्ट फैक्टर और थोड़ा बहुत जो उसके जो क्या बोलते हैं रेगुलेटरी फंड में आपको थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है। अब आते हैं एक और ऑप्शन जो कि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को ही फोकस किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पीछे, जिसे हम कहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आई एम श्योर दैट कि बहुत सारे निवेशकों ने ये सुना होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन अगेन ये वर्ड इटसेल्फ ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये कहते हैं कि एनीथिंग इज बैक विद अ गवर्नमेंट गारंटी, राइट। सॉवरेन मतलब सरकार द्वारा कोई पर्टिकुलर स्कीम जिन्होंने लॉन्च की है। अब ये इस पर्टिकुलर बॉन्ड क्यों आया, इसका पर्पस क्या था? जनरली अगर आप देखो ना तो इंडिया हैज बीन अ मेजर इंपोर्टर, भारत सोना इंपोर्ट करता है क्योंकि वी ऑल लव गोल्ड, राइट। इंडियंस आर गोल्ड लवर, हमको गोल्ड से काफी प्यार है। आप साउथ इंडिया जाओ या नॉर्थ इंडिया जाओ, वेस्ट ईस्ट, हर जगह गोल्ड की एक अलग चार्म है। गोल्ड गोल्ड हैज अ ओन वाइब्रेशन। किसी ने सही कहा है कि अगर आप गोल्ड पे भरोसा नहीं करते हो तो आप ये चीज पे भरोसा करते हो कि एक पेड़ को हमने काट दिया, उससे हमने पेपर बनाया, उस पर थोड़ा इंक डाल दिया, उसको हमने कहा कि 1 करोड़ रुपए है। अगर हम इस पर भरोसा कर सकते हो तो गोल्ड पे हमको भरोसा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गोल्ड चाहे मार्केट ऊपर रहे, सिचुएशन सही रहे, बुरी रहे, हमेशा किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा गया है। लेकिन जब एक इंडियन निवेशक फिजिकल गोल्ड लेता है और अपने लॉकर में रखता है तो हमारी इकोनॉमी को वो ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमको फॉरेन एक्सचेंज सेल आउट करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोडक्ट लाएं जहां पर कि निवेशकों को एक ऑप्शन रहे कि वो गोल्ड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि गोल्ड लोग बहुत जन एज ए इन्वेस्टमेंट भी यूज करते हैं पर्पस के लिए। और सेकंड ये है कि वो जो निवेश है उसमें उनको कुछ इंटरेस्ट वाला इनकम भी जनरेट हो। तो ये एक दो जो एडवांटेज है ना, ये दो एडवांटेज जो है कहीं ना कहीं मिलता है अगर एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेशक इस पर्टिकुलर बॉन्ड में निवेश करे तो। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट को क्या फायदा है कि गवर्नमेंट की जो इम्पोर्ट है, तो अगर कहीं ना कहीं अगर ज्यादा निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा डालें तो गवर्नमेंट का जो इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड कम जाएगा, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो बाहर जाता है दैट विल बी कंट्रोल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सेकेंड है ये पैसा अगर हमारी इकोनॉमी में आ जाए, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, क्योंकि ये जो गोल्ड बॉन्ड जब रिलीज होता है, जब इश्यू आती है, जो भी पैसा कलेक्ट होता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग। तो ये पैसा यूज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंट्री के ग्रोथ के लिए। तब ये जो पैसा आप जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर निवेश करते हो, ये पूरा पैसा जो है गवर्नमेंट बोरो करती है, यूज करती है अलग अलग पर्पज के लिए। और आपको क्या एडवांटेज मिलता है एज ए इन्वेस्टर? आपको सबसे पहला एडवांटेज मिलता है कि आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है पर एनम, आपने जो अमाउंट निवेश किया है। बाकी तीनों में आपको इंटरेस्ट वाली कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि आपको 2.5% का सीधा सीधा मुनाफा, दैट इज वन। सेकेंड इज ये यहाँ पर आप निवेश चालू कर सकते हैं 1 ग्राम से। आज के डेट में अगर आप 1 ग्राम का देखो, डिपेंड करता है प्राइसिंग के ऊपर में कि कौन से ट्रेंचेस किस तरीके से प्राइसिंग होते हैं। 1 ग्राम का प्राइसिंग अप्रोक्स 5,000 के आसपास, मुझे ये फील होता है कि 5,000 रुपए आज के सिनारियों में इतना बड़ा भी अमाउंट नहीं कि एक रिटेल इन्वेस्टर एफर्ट नहीं कर पाए। तो 5,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट पार्ट, एंड मिनिमम 1 ग्राम, डिपेंड करता है कि उस समय वो प्राइसिंग क्या है। दूसरा है आपको स्टोरेज की टेंशन नहीं है। स्टोरेज की टेंशन नहीं मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, और इसकी बेस्ट पार्ट है कि डीमैट अकाउंट, अगर डीमैट अकाउंट आपके पास है तो आप डीमैट के थ्रू भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फिजिकल भी ले सकते हो, डीमैट इसमें मैंडेटरी नहीं है, तो ये भी एक और सुविधा है आपके पास। दूसरा आपको ये चीज एक फोकस करना है कि जब मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा, इसकी लॉकिंग कितनी होती है, लॉकिंग होता है इसका मतलब मैच्योरिटी टर्म होता है 8 साल का, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए आज डाला है, 8 साल बाद जो गोल्ड का भाव होगा, समझो 8 साल बाद गोल्ड का वैल्यू वो 1 लाख का 3 लाख हो गया, तो आपको 8 साल बाद 3 लाख रुपए मिलेंगे। और ये जो 3 लाख रुपया मिलेगा, इस इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना है, इट इज टैक्स फ्री इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर। जो निवेशक पैसा डाल रहे हैं 3 साल बाद 8 साल बाद जो भी पैसा मिलेगा उनको उस पे ब्याज, उसको इनकम पे टैक्स नहीं देना है।
इसमें 5 ईयर्स के बाद एग्जिट का ऑप्शन आता है। अगर आपने लिया है तो 5 ईयर्स जब इंटरेस्ट पेमेंट का टाइम होता है तब आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन जो भी आपको बेनिफिट होगा आपको टैक्स वैसे ही लगेगा जैसे फिजिकल गोल्ड और बाकी गोल्ड का टैक्सेशन लगता है। सेकेंड इज, बहुत सारे निवेशक ये कहते हैं कि सर अगर हमने ये पर्टिकुलर बॉन्ड में डाल दिया और हमको अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ गई तब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो लिक्विडिटी वहां पर भी है, आप बाय सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी फैक्टर भी इसमें दिया गया कि अर्जेंसी के समय आप बॉन्ड को सेल ऑफ कर सकते हैं। अगर आप 3 साल के पहले करते हो तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जिस हिसाब से फिजिकल और गोल्ड ETF और अदर गोल्ड इंस्ट्रूमेंट में लगता है। सेकेंड इज, अगर आप 8 साल रुक गए तो आपको यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। जो आपको ये ब्याज मिलता है 2.5% का, ये टैक्सेबल है, ये आपके इनकम में ऐड होके आपके जो स्लैब उस हिसाब से टैक्सेशन लगता है। तो अगर आप नटसेल में देखें तो मुझे लगता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है निवेश करने में। और एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म अवधि है और अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से देख रहे हो, ये बहुत सेफ है। और क्योंकि सॉवरेन बैक्ड है तो फिर आपको एज्यूम करना पड़ता है कि गवर्नमेंट विल नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स प्रॉमिस, तो एक सिक्योरिटी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से काफी बेहतर है। दूसरा है कि आपको अपने गोल्ड पे ब्याज मिलता है 2.5% का। तीसरा है मैच्योरिटी जो मुझे मिलती है वो टैक्स फ्री है। चौथा है कि मुझे प्योरिटी का स्टोर करने का वो भी हेडेक नहीं है। तो अगर आप देखोगे ना तो फिर इन्वेस्टमेंट एक और फायदे अनेक वाला कंसेप्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और अगर आपको अर्जेंट में पैसा चाहिए तो आप एक्सचेंज के थ्रू सेल ऑफ भी कर सकते हैं। तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं रिकमेंड करूंगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसा एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको क्लैरिटी मिली कि गोल्ड में किस तरीके से वो निवेश कर सकते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको इस विषय पे और कुछ जानना है या फिर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू।